उज्जैन जिले में 2 दिन पूर्व दताना मताना में विधायक की गाड़ी से टक्कर लगने पर 2 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। करनी सेना मूल के कार्यकर्ता द्वारा किसी काम से हॉस्पिटल पहुंचने पर घायल बच्चों के परिजनों द्वारा मारपीट के मामले में करनी सेना मूल के अधिकारी और सदस्यों ने आज माधवनगर थाने पर घेराव कर दिया। माधवनगर थाने में उस वक्त तनाव की स्थिति निर्मित हो गई जब करनी सेना मूल के अधिकारी और सदस्यों ने थाने का घेराव कर आरोपियों से माफी मंगवाने की मांग पर अड़ गए और पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है और अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। वहीं पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन करनी सेना के कार्यकर्ता 3रे आरोपी की गिरफ्तारी पर अड़ गए। मामला बिगड़ते देख पुलिस ने बल का प्रयोग कर कार्यकर्ताओं को बाहर कर करनी सेना मूल के प्रदर्शन अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान से बात कर मामले को शांत करवाया गया। बाद में करनी सेना मूल के कार्यकर्ताओं ने समझदारी का परिचय देते हुए पुलिस का सहयोग किया। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। 3-4 दिन पहले झगड़ा हुआ था, उसमें 3 आरोपी थे। वो आरोपी आज उनमें से 2 लोग पुलिस की कस्टडी में हैं। पीड़ित पक्ष के कुछ लोग ये चाहते थे कि जिस तरह से हमारी मारपीट का वीडियो उन्होंने वायरल किया था, ऐसे आज वो हमसे माफ़ी मांगे, हम वीडियो बनाएं और उस वीडियो को हम वायरल करें। और ये वो चाहते थे थाने की सीमा में या थाने में। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट मना कर दिया है कि ये कार्रवाई यहाँ संभव नहीं है। उसी मांग को लेकर उनमें से कुछ लोग एकत्रित हुए थे या हुए हैं, यही मांग है उनकी। फिलहाल मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मैं CSP जिवाजीगंज हूँ, यहाँ चूंकि भीड़ थी तो मुझे अभी भेजा गया है। वरिष्ठ अधिकारी कंट्रोल रूम में मीटिंग ले रहे हैं। करनी सेना यही चाहती है कि ना तो हम कानून हाथ में लें, शासन प्रशासन भी हमारी मदद करे और हम भी शासन प्रशासन के साथ में। पर जिस तरीके से आज 3 दिन हुए इस घटना को हुए और आज भी जब हमने दबाव बनाया और उनके परिवारजनों के ऊपर भी दबाव बनाया, तब में जाके और आज वो पेश हुए हैं। तब पेश हुए हैं तो जब हमारे दबाव से पेश हुए हैं तो हमारे पदाधिकारी के साथ उसने जो अभद्रता की है तो वो माफ़ी मांगी है। पुलिस का क्या कहना? पुलिस का एक कहना है कि हम थाने में माफ़ी नहीं मंगवा सकते हैं। आप पुलिस के साथ जाएंगे, नियम जो उसके हद में ही रहना चाहेंगे कि आप चाहते हैं कि माफ़ी हो? माफ़ी हो, हम ये तो चाहते हैं। ये नहीं, नहीं। और उन्होंने कोई वीडियो वायरल की भी बात कही थी, आपके कार्यकर्ता भी कह रहा है कि हम वीडियो बना के। इस मामले में पुलिस का क्या कहना? इस मामले में पुलिस का यह कहना है कि हम ये सब हम नहीं कर सकते हैं। अगर जो आप कहीं और बैठ के आपका समझौता होता है, वो माफ़ी मांगते हैं तो उससे हमको कोई आपत्ति नहीं थी, पर थाने पे आने के बाद में हम थाने पे माफ़ी नहीं मंगवा सकते। आपका नाम बताओ? श्री राजपूत करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।